कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 17 आई अध्याय 13 सीमा प्रश्न क्रमांक 7वां लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू एक्स प्लस सी रेस टू एक्स बाय 3 पावर 1 बाय एक्स, इसका हमको क्या मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका हम कैसे मान ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख ले रहे हैं, लिमिट क्या x टेंड टू 0 a रेस टू x प्लस b रेस टू x प्लस c रेस टू x बाय 3 होल पावर 1 बाय x। इसको हम कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 यदि हम इसको इस प्रकार से चेंज करें, 1 प्लस ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू एक्स प्लस सी रेस टू एक्स, अगर अपन इसके बटे में क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो 3 जुड़ जाएगा। 3 जुड़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, इसलिए हम इसमें -3 लिख सकते 1 बाय एक्स। ये 3 से -3 घट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू यही रहेगी। आगे इस -3 को 3 भागों में बांट देंगे, -1 ए रेस टू एक्स के साथ, -1 बी रेस टू एक्स के साथ, -1 सी रेस टू एक्स के साथ। नेक्स्ट क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए रेस टू एक्स -1 प्लस बी रेस टू एक्स -1 प्लस सी रेस टू एक्स -1 और इस पूरे के बटे में क्या 3, पूरे की ओवरऑल जो पावर है वो क्या 1 बाय एक्स। अब इसको फार्मूले से हम लिख सकते हैं क्या, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब हमारे पास ये जो मान आ गया, इस मान को ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास 1 बाय एक्स है, तो हम इसको एक्स का अगर 3 में गुना कर दे तो 3x हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारे पास होगी, इसको अगर अलग अलग लिखे तो हम क्या लिख सकते, ए रेस टू एक्स -1 बाय 3 इंटू एक्स 3x प्लस बी रेस टू एक्स -1 बाय 3x प्लस सी रेस टू एक्स -1 बाय 3x। हम चाहे तो 1/3 सारे पदों से कॉमन निकाल सकते। जब सारे पदों से 1/3 को हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा e 1 बाय 3 को अपन ने कॉमन निकाल लिया, लिमिट x टेंड टू 0। तो क्या बन गया, ये यहाँ पर ये बन गया, अगर इसको सारे लिमिट को अलग अलग इसमें लिखे तो क्या होगा, ए रेस टू एक्स -1 बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 बी रेस टू एक्स -1 बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 क्या सी रेस टू एक्स -1 बाय एक्स। और हम फार्मूला जो जानते हैं वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि यदि लिमिट n टेंस टू 0 हो और a रेस टू n -1 बाय n हो तो हम इसको किस रूप में, लागे के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लाग a बन जाएगा, प्लस लाग b बन जाएगा, प्लस लाग c बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 1 बाय 3 क्या बनेगा, पहला पद लाग a, दूसरा लाग b, तीसरा लाख सी। हम में से सब जानते a प्लस बी प्लस सी है, तीनों पद योगफल में है, तो फार्मूले से तीनों गुणनफल में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग a इंटू बी इंटू सी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि 1 बाय 3 है तो ये पावर बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा e रेस टू लाग ए बी सी होल पावर
1/3। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।